पार्ट कविता का शीर्षक पोएम जो बढ़े चलो गो हेड, तो बढ़े चलो कविता को अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या लिखा है कवित्री ने, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजो कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। तो इधर बच्चे लोग को बोलते हैं, तुम लोग वीर हो तो तुम बढ़े चलो, धीर से भी बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रखो, बाल दल जो सजा दें, बच्चे लोग का दल सजा कर तुम ध्वजों को सजा कर ध्वजों को कभी झुकने नहीं दो, ध्वजों को धर के दल कभी रुका नहीं। हमारे जो बच्चों का दल है रुकेगा नहीं। तो बढ़े चलो, बढ़े चलो वीर तुम, बढ़े चलो वीर तुम, बढ़े चलो धीर तुम, बढ़े धीरे दे वीर तुम सभी, बढ़े चलो सभी बल दल, माने बच्चों लोग का दल। देखो ये छवि में इधर ही। तो दूसरी पंक्ति, मेघ गजर गरजते ही रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम। ऐसे बोलते हैं, मेघ व बारिश गरजता है व बरसता है, बिजलियाँ भी कड़कता है। मेघ जब बारिश, तो मेघ बारिश जब होता है तब बिजलियाँ कड़कता है, आवाज़ होती जोर तभी भी तड़क उठता है, फिर भी तुम नहीं थमो, फिर तुम बढ़े चलो, धीर तुम। रात हो संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। बोलते हैं सुबह हो या शाम हो, संग होकर तुम लोग सूर्य बढ़े चलो। सूर्य रात होता, सूर्य होता है तो रात होता है, तो चंद्र होता है, तो उनसे भी आगे बढ़े चलो तुम साथ में, फिर तुम बढ़े चलो, फिर तुम बढ़े चलो। तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी इस बढ़े चलो के कविता को लिखे थे, तो वीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों लोग का दल मिलकर बोलते हैं, हम लोग भी जैसे बढ़े चलते हैं तो फ्लाई को जो बोलते हैं ध्वजा, उसको नीचे झुकने नहीं देंगे, तो मेघ पर जे बिजलियाँ कड़के, सुबह हो शाम हो, सूर्य चंद्र के आगे हम लोग वीर किधर भी रुकेंगे नहीं, हम लोग वीर सुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। बच्चों लोग का दल जो बाल का दल है। दर आर ओर मीनिंग, वीर ब्रेव चंद्र मून, मेघ बरस नारेन, बिजलियाँ लाइटनिंग, प्रातः मॉर्निंग रात नाई, सूर्य सन मेघ आगर्जन थंडर, धीर चंद्र बढ़े चलो तो गोएड, ध्वजा फ्लैग बाल दल में, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन सजा मने डेकोरेट। तो बच्चों अभ्यास बाय एक्सरसाइज, पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वीर को कब कब बढ़ने को चलो प्राप्त कहते हैं, वीर को कब कब बढ़ने चलो बढ़ चलने को बोलते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, जब कोई भी संकट हो तो आए, ध्वजा बिना नीचे करे, तुम लोग वीर साथ साथ में बाल दल धर कर बढ़े चलो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। इन पंक्तियों का क्या है भाव, इन पंक्तियों का भाव इधर कि हमें सूर्य चंद्रमा से आगे, सुबह शाम सूर्य आता है, सूरज दिन में आता है, तो चंद्रमा आता है, तो इनका जो गति, इनसे गति से भी आगे हम लोग बढ़े चले, हम कभी रुके ना। तो दो नंबर रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरी नंबर प्रातः, तो प्रातः हो कि रात हो, सूर्य हो कि चंद्र, सूर्य हो न साथ, सूर्य हो कि बढ़े चलो, तो संग हो न साथ हो, चंद्र हो कि बढ़े चलो। जॉइन द वर्ल्ड क्या है, छाया रात्रि दल समूह, मेघ बादल रात, रात क्या होता है, रात साथ, संग संग साथ, रात रात्रि, सूर्य सूर्य है, सूरज चंद्र चांद। तो चार पढ़िए समझिए, रीड अंडरस्टैंड एंड द राइट, बड़ बड़े बड़ो बढ़िए बड़े बड़े, झुक झुके झुको झुके बढ़े झुके झुकेंगे। तो ऐसे जो बाकी शब्द हैं आप ऐसे ही लिखो बच्चों।
क्या है पांच नीचे एक देव शब्दों को बर्तन ने बुद्ध लिखिए करण द स्पेलिंग ऑफ द वर्ल्ड वीर बीरी बिजली बिजली चंद्र चंद्र हाथ हाथ मेघ मेघ संग सूर्य खड़क छह उदाहरण दीजिए इसी प्रकार लुक एट द एग्जाम्पल मेक वर्ड द दिस बल बल कल कल जल लल छल छल डल डल दल दल खल खल छल छल गल गल तल तल। तो ऊपर दिए गए शब्दों का अर्थ स्ट्रेंथ एयर टुमोरो टेंस ऑफ डेथ वाटर नेट सिटिंग बैक ऑफ द ट्री ए ब्लू ब्रांच छह प्रश्न क्या है ट्रू ग्रुप ऑफ द पल्स बैड मैन स्किन अबल ऑफ द मूवमेंट डीके जक्स फ्राई देम। तो सेवेंथ क्या है ये कविता हमें क्या प्रेरणा देती है एक प्रेरणा देती है कविता हमें प्रेरणा देती है कि बच्चों लोग सभी मिलकर दल होकर हम अपने देश के लिए ध्वजा लेकर आगे बढ़ चले देश के नाम रोशन करने के लिए हम देश को रक्षा करने के लिए देश की नाम रखने के लिए ज़्यादा हम लोग आगे चले हमारे देश को रक्षा करने के लिए कभी किसी बाधाओं में हम लोग रुकेंगे नहीं आगे बढ़ते ही चलो। तो निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग ध्वज क्या है ध्वज कभी झुके नहीं सजा बाल दल सजा रहे कड़क बिजलियाँ चाहे कड़क उठे प्रातः चाहे रोज हमें प्रातः उठने को पड़े संग तो साथ हो हमें ध्वज बिना सदा आगे बढ़ना संग हम संग हो कर हम साथ ध्वजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देखो कितने सुंदर फूल लाल गुलाबी पीले फूल रीड द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन लेटर द सुंदर और लाल गुलाबी तो इसको अंडरलाइन करने है। तो बच्चों पाँच छः कक्षा का तीन पाठ कविता का शीर्षक बढ़े चलो जो कवित्री द्वारी के प्रसाद महसूद ने द गो हेड इंग्लिश में इसको बच्चे लोग भी कैसे है अपनी दल के सहित कैसे देश के स्लोगन जैसे देकर बोलते हैं वीर सहित हम अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए देश के नाम रोशन करने के लिए हम अपने देश का नाम करने के लिए हम लोग आगे चले बढ़ते ही चले कभी ना रुके चाहे कितनी भी बाधाएं हो मेघ गरजे बिजली हो रात हो दिन हो फिर भी हम लोग को चलते ही चले। तो इसका कविता को हमने पैटर्न करके आपको पंक्तियाँ अच्छी तरह समझा दी इसका मीनिंग्स भी आपको अभ्यास पत्र जो एक्सरसाइज भी पढ़ा कर समझा दी हूँ। तो बच्चों मैं दूसरी पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का